संत कौन है हम यही नहीं जानते, और हम यह समझ जाएं कि संत कौन है इसीलिए जगह जगह प्रवचन कथा यह सब प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जब तक जीव को संत की पहचान नहीं होती तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ध्रुव जी महाराज की कथा आपने कुछ समय पहले सुनी, तो भगवान से मिलन किसने कराया? नारद जी ने कराया, गुरु ने ही कराया। और आज तो बहुत सुंदर महाराज श्री ने भाव सुनाया कि अगर गुरु पूर्णिमा महोत्सव ना हो तो कोई महोत्सव जीव मना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर ये समझ ही नहीं होगी कि कब कौन सा उत्सव हमें मनाना है। तो साधु वह नहीं, आजकल हम संत की परिभाषा ही नहीं जानते। केला उछाला आम बना दिया वह साधु है, कोई मंत्र बता दिया नोट बरसने लगेगा, कोई टोना टोटका बता दिया वह साधु नहीं है। ये सब चीजें तो आपको आम खरीदना है बाजार से ला सकते हो, और कुछ चमत्कार देखना है वह चीज आपको बाजार में मिल जाएगी। संत वो है जिसकी सन्निधि में जीव जाते ही दुराचारी से सदाचारी हो जाए, जिसकी दृष्टि आप पर पड़े आपके मन में भी भगवत स्मरण होने लग जाए। जो संचार भक्ति का संत के हृदय में चल रहा है वह ही आपके अंदर चलने लगे, यही संत का अर्थ है।